लोग बनाएंगे पनीर की सब्जी, जो आपने रेस्टोरेंट में खाई होगी या ढाबे पे खाई होगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। वैसा ही क्रीमीनेस, वैसा ही टेक्सचर आएगा। देखिए दिखने में भी कितना सुंदर है, खाने में उतना ही टेस्टी है। इजीली आप इसे घर पे बना सकते हैं, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे पनीर, उसके पीसेस कट कर लेंगे इस तरह से। इसे फ्राई करना है तो तेल गरम करने के लिए रखेंगे, तेल गरम हो जाएगा तो उसमें हम लोग पनीर फ्राई कर लेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। पनीर को फ्राई करने के बाद उसे हम लोग डायरेक्ट पानी में डाल के रखेंगे कि इस तरह से। फ्राई होने के बाद हम लोग इसे एक बाउल में पानी भर के उसमें पनीर डाल देंगे, इससे पनीर काफ़ी सॉफ्ट बनता है। जब तक ग्रेवी बने तब तक पनीर पानी में ही रहे। तो आइए ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हम लोग तेल ले लेंगे, तेल गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे जीरा, खड़े मसाले डालेंगे, एक बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग और 5-6 काली मिर्च साबुत, साथ में डालेंगे तेज पत्ता, 2 तेज पत्ते लिए हैं मैंने, कश्मीरी लाल मिर्च। इसे कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग ओनियन, बड़े बड़े टुकड़े काट लिए हैं मैंने, यहाँ पे 4 ओनियन लिए हैं, लहसुन 10-12 कलियाँ, और साथ में डालेंगे हम लोग अदरक 1 इंच के करीब। इसे भूनना है हमें। इसमें हम लोग एक हरी मिर्च भी डालेंगे और साथ में डालेंगे हम लोग कड़ी पत्ता, 10-12 पत्तियाँ डालेंगे कड़ी पत्ते की। ओनियन जब तक गुलाबी हो जाए तब तक हम लोग इसे भूनेंगे। ओनियन का कलर चेंज हो जाएगा, देखिए ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इसमें डालेंगे हम लोग काजू, 8-10 काजू डालने हैं, 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालना है और 1 चम्मच इसमें वाटरमेलन के सीड्स डालेंगे हम लोग, यानी तरबूज के बीज। इससे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अच्छी होती है, क्रीमी होती है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग टमाटर, मैंने यहाँ पे 4 टमाटर लिए हैं, बड़े बड़े पीसेस कट करके डालेंगे चलेगा। इसे भूनना है पहले तेज़ आंच पे, बाद में धीमी आंच पे, जैसे टमाटर हल्का पक जाए। फिर इसकी हम लोग पेस्ट बना लेंगे ठंडा करके, इसे मिक्सी जार में ले लेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। वही पैन में हम लोग ले लेंगे तेल, तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लोग डालेंगे कसूरी मेथी, 1 चम्मच कसूरी मेथी डालनी है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग सूखे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गरम मसाला, किचन किंग मसाला और धनिया पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए इसे भूनेंगे। इसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखी है ओनियन, टमाटर, लहसुन, अदरक की, वो इसमें पेस्ट डालेंगे। पेस्ट जो है स्मूथ होनी चाहिए बिल्कुल, देखिए इस तरह से। और इसे हम लोग पहले तेज़ आंच पे, बाद में धीमी आंच पे भूनेंगे, जैसे इसका पानी सूख जाएगा और इसमें से थोड़ा थोड़ा तेल निकलना चालू हो जाएगा। बीच बीच में घुमाते रहें नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। ये मसाला पक चुका है, अभी इसमें डालेंगे दही 2 बड़े चम्मच या 1/2 कप दही डालें। दही डालने के बाद इंस्टेंटली इसे मिक्स करना है नहीं तो दही फट जाती है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमने पनीर फ्राई करके रखा है वो पनीर इसमें डालेंगे हम लोग, पानी में से निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे, हल्के हाथ से मिक्स करें।
और इसमें डालेंगे एक गिलास पानी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे उबाल आने देंगे। ढक के पकाएं इसे तो पनीर सॉफ्ट बनेगा। पाँच से सात मिनट इसे पकाएंगे। यहाँ पे मैं इसमें ऑरेंज रेड कलर डाल रही हूँ, जैसे रेस्टोरेंट में कलर आता है वैसे ही, आप चाहें तो ऐसे ही रहने दें। इसमें डालेंगे एक चम्मच बटर। आंच को मैंने धीमा ही रखा है। दो से तीन चम्मच डालेंगे क्रीम, फ्रेश क्रीम यूज़ किया है यहाँ पे मैंने। क्रीम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से उबाल आने देंगे इसमें और धीमी आंच करके फिर इसे पकाएंगे। तो इस तरह से देखेंगे ऊपर से तेल आ जाएगा। मींस हमारी ग्रेवी जो है रेडी हो चुकी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी क्रीमी ग्रेवी बनी है। इसमें डालेंगे हम लोग धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी पनीर की सब्जी तैयार है। पनीर मसाला बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है। सिर्फ इसे जो पकाने के टाइम पे हमें ढक के पकाना है, इसमें पहले आंच को तेज रखना है, बाद में धीमा रखना है और इसे गर्मा गर्म कुलचा, पराठा या नॉन के साथ सर्व करें। एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर